हेलो दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। करंट अफेयर अवार्ड में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं जो 29 दिसंबर 2019 को परीक्षा हुई है, बिहार सिपाही भर्ती ड्राइवर वाली परीक्षा। दोस्तों, उसका मैं 98 प्रश्नों का संग्रह लेकर आया हूं, जो आगामी 12 जनवरी को और 20 जनवरी को होने वाली परीक्षा में लगभग इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, इस प्रश्न को भली भांति देखें, समझें और आगे 12 जनवरी को परीक्षा के लिए तैयारी करें। दोस्तों, समय न गवाते हुए चलते हैं डायरेक्ट प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, तो दोस्तों पहला प्रश्न है, मोहिनीअट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है। दोस्तों, यह क्वेश्चन पूछा गया है, तो दोस्तों इसका आंसर है केरल में हुआ, केरल का है दोस्तों, ठीक है। बेम्बानाड झील किस राज्य में है, केरल में है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। दोस्तों, दिवस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आगामी परीक्षा में तैयारी करके जाएंगे, दिवस से जरूर पूछे जाते हैं क्वेश्चन। इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मोटर के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग होता है, परवलयिक अवतल होता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है, चाइल्ड लिवलीहुड अवार्ड किसे दिया गया है इस बार का, तो ग्रेटा थुनबर्ग को दिया गया है। दोस्तों, 6ठा प्रश्न है, यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो दोस्तों न्यूयॉर्क में है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आज का 7वां प्रश्न देखते हैं, फूलों की घाटी उद्यान किस राज्य में है। दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में है, फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य में है। IAAF किस एथलीट को मिला है, IAAF का पुरस्कार जो है दोस्तों हिमा दास को मिला है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई को। दिवस से दोस्तों क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हो गया ये। UNDP का सद्भावना दूत कौन है, पदम लक्ष्मी जी है। दोस्तों, ये जो है प्रश्न 29 दिसंबर 2019 को पूछा गया ड्राइवर का क्वेश्चन है। दोस्तों, बिहार पुलिस ड्राइवर का भर्ती 98 सीट जो था दोस्तों, ठीक है, बिहार पुलिस से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम का आयोजन कहाँ हुआ है, तो ब्लादिवोस्टोक में दोस्तों हुआ है, रूस में, ब्लादिवोस्टोक। आगे बढ़ते हैं, आर्यभट्ट किसके प्रधानमंत्री थे। दोस्तों, आर्यभट्ट चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। पहला बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था, 13वां प्रश्न है दोस्तों, आजाद शत्रु के शासनकाल में। 14वां है, सूर्य महोत्सव का संबंध कहाँ से है, तो तिरुवनंतपुरम से दोस्तों, केरल। आगे बढ़ते हैं, अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट का आयोजन कहाँ किया गया है, दिल्ली के विज्ञान भवन में। 16वां क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिटिश हाउस में कॉमन चुने गए भारतीय कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी जी ब्रिटिश हाउस के प्रथम चुने गए थे। 17वां क्वेश्चन दोस्तों, 1872 में लॉर्ड मेयो की हत्या किसने की थी, तो दोस्तों पोर्ट ब्लेयर ने लॉर्ड मेयो की हत्या की थी, इसलिए वहाँ का नाम जो है पोर्ट ब्लेयर रखा गया है। T20 वीमेंस वर्ल्ड कप कहाँ होगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में होगा। T20 वीमेंस कप पे ये दोस्तों 2024 पूछा गया था दोस्तों, ठीक है दोस्तों ये 24 का पूछा गया था, T20 वीमेंस कप 2024 का, तो ऑस्ट्रेलिया में होगा। OPD क्या है, OPD का फुल फॉर्म दोस्तों पूछा गया है, तो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, OPD का फुल फॉर्म जो चिकित्सा से संबंधित है दोस्तों, OPD आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। 20 नंबर प्रश्न है, फ्लोराइड से क्या प्रभावित होता है दोस्तों, तो हड्डी प्रभावित होता है, दांत प्रभावित होता है दोस्तों। रमन मैग्सेसे पुरस्कार से किसे प्रदान किया गया है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 जो है दोस्तों रवीश कुमार को दिया गया है दोस्तों, जो NDTV से संबंधित है, NDTV के रिपोर्टर है दोस्तों। काजिंड क्या है तो भारत और कजाकिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, काजिंड दोस्तों, ठीक है, काजिंड कजाकिस्तान और इंडिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास है दोस्तों। पहला 3 अक्षर काज, कजाकिस्तान और उसके बाद इंडिया। 23वां प्रश्न है दोस्तों, नेपाल से कौन सा जिला सटा हुआ नहीं है, तो समस्तीपुर दोस्तों ऑप्शन में था, सटा हुआ नहीं है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल को दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है दोस्तों। आज का ये 3रा प्रश्न है दोस्तों, जो दिवस से संबंधित है पूछा गया है, यदि वेग दुगुना कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा क्या प्रभाव पड़ेगा, 4 गुनी हो जाएगी दोस्तों। कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है, तो गोदावरी जो है दोस्तों दक्षिण गंगा से नाम से प्रसिद्ध है, और वृद्ध गंगा भी इसे कहते हैं, ठीक है दोस्तों। कौन सेना में पायलट बनी है, मिस शिवानी जी बनी है, सेना में पायलट बनी है इस बार हाल ही में। किस धातु में गैलेना नामक अयस्क होता है, गैलेना नामक वस्तु शीशा धातु में दोस्तों। 32 का प्रश्न है दोस्तों, आंसर है अजलान शाह हॉकी 2019 कप
कौन जीता है? दोस्तों दक्षिण कोरिया जीता है भारत को हराकर अजलांसा हॉकी कप। इब्न बतूता कहाँ से आया था? दोस्तों मोरक्को से आया था। 34वां प्रश्न है, संप्रति युद्ध अभ्यास किस देश के बीच होता है? भारत और बांग्लादेश के बीच। दोस्तों मिला लीजिएगा आप लोग देख कर, दोस्तों आंसर मिला लीजिएगा। 35 एस्किमो प्रजाति कहाँ पाई जाती है? कनाडा में दोस्तों, कनाडा में पाई जाती है। दोस्तों रानी की बाव किस राज्य में है? गुजरात में है। रानी की बाव दोस्तों गुजरात में है। प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति जी दिलाते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति जी प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाते हैं। आनंद मठ किताब किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी लिखे हैं दोस्तों, आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी लिखे हैं। सोनपुर मेला कब प्रारंभ होता है? तो कार्तिक महीने में। सोनपुर मेला कार्तिक महीने में प्रारंभ की जाती है। फिल्म पीएम मोदी के निर्देशक कौन है? फिल्म दोस्तों है पीएम मोदी, उनका निर्देशक है उमंग कुमार। अनुवांशिक रोग कौन सा है? तो वर्णाधता और हीमोफीलिया दोस्तों अनुवांशिक रोग है। नील दर्पण के लेखक कौन है? नील दर्पण के लेखक है दीनबंधु मित्रा जी है दोस्तों, दीनबंधु मित्रा। बराक 8 मिसाइल किस देश में है? तो दोस्तों भारत और इजराइल में जो है बराक 8 मिसाइल है। डोकलाम विवाद किससे संबंधित है? भारत और चीन से है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है डोकलाम विवाद। 54 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 2019 में किस राज्य में चुनाव हुआ? हरियाणा और महाराष्ट्र में। हरियाणा और महाराष्ट्र में दोस्तों 2019 में चुनाव हुआ है अक्टूबर महीने में। पंचवटी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों पंचवटी जो रामायण का पंचवटी वही है जो महाराष्ट्र से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ की गई? तो दोस्तों 2 अक्टूबर 2014 महात्मा गांधी के जन्मदिवस पर माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किए थे। भारत के स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी जी है दोस्तों, जेबी कृपलानी जी भारत के स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष थे। दोस्तों जेबी कृपलानी का पूर्ण नाम हुआ जीवत राम भगवान दास कृपलानी। जेबी का फुल फॉर्म हुआ जीवत राम भगवान दास कृपलानी। आगे बढ़ते हैं, कान्हा किसली जैविक उद्यान किस राज्य में? दोस्तों मध्य प्रदेश में है। कान्हा किसली मध्य प्रदेश में है, एमपी याद रखेंगे। चीन के साथ सबसे लंबी सीमा किस राज्य ने बनाती है? अरुणाचल प्रदेश बनाती है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश चीन के साथ सबसे लंबी सीमा बनाती है जो हमारे भारत में है दोस्तों ये राज्य। 148 और 272 का HCF क्या होगा? दोस्तों HCF यानी मौसम पूछा जा रहा है, तो दोस्तों इसका 24 होगा, 124। बिहार में शराबबंदी कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 2016 को शराबबंदी की घोषणा की गई दोस्तों, और 5 अप्रैल को पूर्णतः बंद कर दी गई। ठीक है, सांची स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों सांची का स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। रेशम उत्पादन का संबंध किससे है? तो दोस्तों ये सेरिकल्चर से है दोस्तों, सेरिकल्चर से रेशम कीट पालन का अध्ययन है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों तो महात्मा गांधी जी हिंद स्वराज के लेखक है, महात्मा गांधी जी हिंद स्वराज लिखे हैं दोस्तों। यह बिहार दरोगा का में ही पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, किस विटामिन के कारण ब्लड थक्का बनता है? तो विटामिन के कारण ब्लड जो है थक्का बनता है दोस्तों, जम जाता है। चावल में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट दोस्तों, चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है दोस्तों, B1 पाया जाता है, थायमिन। ये जो दोस्तों पूछा गया था दरोगा में, पूछा गया था बिहार दरोगा में। इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या पाया जाता है? टंगस्टन पाया जाता है दोस्तों, इलेक्ट्रिक बल्ब में टंगस्टन पाया जाता है। कबाला किससे संबंधित है? दोस्तों भैंसा दौड़ से है दोस्तों, कबाला भैंसा दौड़ से है। इससे पहले था जलीकट्टू दोस्तों था एक, तो ये जो था बैल दौड़ से था दोस्तों तमिलनाडु का, और ये है कबाला भैंसा दौड़ से संबंधित है। लोथल बंदरगाह किस राज्य में? दोस्तों सिंधु सभ्यता से संबंधित है, लोथल बंदरगाह गुजरात राज्य में है दोस्तों, गुजरात राज्य में था सिंधु सभ्यता के समय। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लेखक कौन है? दोस्तों दादा भाई नौरोजी जो है दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है बिहार दरोगा में पूछा गया था, इसलिए इस क्वेश्चन में से भी दोस्तों पूछा जा सकता है आपके सिपाही परीक्षा में 12 जनवरी को और 20 जनवरी को, इसलिए अच्छी तरह से इसको ध्यान से देख लें। आगे देखते हैं, राफेल क्या है? दोस्तों करंट अफेयर क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं दोस्तों, राफेल क्या है? अत्याधुनिक लड़ाकू विमान है, राफेल जो है अत्याधुनिक राफेल लड़ाकू विमान है दोस्तों। करंट अफेयर के दोस्तों सीरीज हम चला रहे हैं और आगे भी वीडियो डालेंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे करंट अफेयर के वीडियो आते रहेंगे दोस्तों। डेली प्रतिदिन कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन करंट अफेयर का डालेंगे। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन है? बहादुर शाह जफर यानी द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय जो है अंतिम मुगल शासक थे दोस्तों। बंगाल विभाजन का समय कौन सा आंदोलन हुआ था? तो बंगाल विभाजन का समय बंग भंग आंदोलन हुआ था। फूट डालो और राज करो नीति इसी में अपनाई गई थी। आगे दोस्तों, ध्वनि की प्रबलता किसमें मापी जाती है? तो ध्वनि की प्रबलता दोस्तों मापी जाती है डेसिबल में मापी जाती है। प्लासी युद्ध के बाद किससे बंगाल का नवाब चुना गया? तो रॉबर्ट क्लाइव को दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव को प्लासी युद्ध के बाद 1757 के बाद इसको बंगाल का नवाब बना दिया गया। भारत प्राचीन भारत में कनिष्क क्या है दोस्तों? तो कनिष्क जो है दोस्तों एक मुद्रा है, मुद्रा था दोस्तों प्राचीन भारत में जो सोना चांदी के होते थे।
2020 का ओलंपिक कहाँ होने वाला है, तो पेरिस में दोस्तों। 2020 का ओलंपिक पेरिस में होने वाला है दोस्तों। यहाँ पर प्रश्न है, SO2 का निर्माण सबसे ज़्यादा किस से होता है, SO2 का निर्माण सबसे ज़्यादा कोयला जलाने से होता है दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड। SO2 का फुल फॉर्म ये हुआ दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड, जो कोयला जलाने से होता है दोस्तों। रंगा नदी बांध है किस राज्य में है दोस्तों, तो रंगा नदी बांध अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में रंगा नदी बांध है। 1827 ईस्वी में खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, तो बाबर और राणा संगा के बीच दोस्तों, बाबर और राणा संगा के बीच 1827 ईस्वी में खानवा का युद्ध लड़ा गया था। बेकिंग सोडा होता है दोस्तों, बेकिंग सोडा का फुल फॉर्म ये इसका संकेत है दोस्तों, NaHCO3, NaHCO3, ठीक है दोस्तों। और सोडियम बाइकार्बोनेट। बिहार की जनसंख्या कितनी है दोस्तों, जनसंख्या से प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों, जो ये है 10 करोड़ लगभग 40 लाख, 10 करोड़ 40 लाख है 99,452, देख रहे हैं ना दोस्तों, 10 करोड़ 40 लाख 99,452। विटामिन सी का स्रोत है किस, क्या विटामिन सी का स्रोत दोस्तों क्या है, आंवला है दोस्तों, मुख्य स्रोत है आंवला। ऑप्शन में दोस्तों क्या दिया गया था वो तो नहीं आया है प्रश्न दोस्तों, लेकिन आंवला है। बिहार का क्षेत्रफल भी दोस्तों पूछा गया है, बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर, 94,163 वर्ग किलोमीटर। ताजमहल के क्षरण का कारण क्या है दोस्तों, ताजमहल क्यों नष्ट होते जा रहा है, तो SO2 और NO2 के कारण, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोस ऑक्साइड के कारण, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, महात्मा गांधी सत्याग्रह का सबसे प्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था, महात्मा गांधी जी द्वारा सबसे प्रथम प्रयोग किया गया था दोस्तों साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहला प्रयोग किए थे। भीतर कनिका राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो मगरमच्छ के लिए है, उड़ीसा में दोस्तों, ठीक है। 2019 में नया केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना था दोस्तों, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन में आपका जो रहा होगा वो मारेंगे दोस्तों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख ही बना है दोस्तों। ट्रीज रूप से ब्रिज कहाँ बनता है, पेड़ पौधा रूट से ब्रिज कहाँ बनता है दोस्तों, तो मेघालय में बनता है। उन्नति कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, तो नैनो उपग्रह बनाने का प्रशिक्षण देना है, नैनो उपग्रह मतलब छोटा सा उपग्रह बनाने का प्रशिक्षण देना है दोस्तों इसमें उन्नति में। टोडा जनजाति का संबंध किससे है दोस्तों, टोडा जनजाति का संबंध है नीलगिरी क्षेत्र से है दोस्तों, ही तमिलनाडु, जो दिया हुआ सो मानेंगे दोस्तों, तमिलनाडु से संबंधित है और नीलगिरी क्षेत्र से भी संबंधित है तोरा जनजाति। एम्पियर किससे संबंधित है, तो विद्युत धारा का मात्रा है दोस्तों एम्पियर, इसको करंट से संबंधित है विद्युत धारा। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है दोस्तों, 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है। लोनार एक्सप्लोनेशन प्रोग्राम किससे संबंधित है दोस्तों, चेंज फोर से संबंधित है, चेंज ऊपर सेमिकोलन है दोस्तों और फोर से संबंधित है। मशरूम क्या है दोस्तों, तो मशरूम एक कवक है। अंतरिक्ष में देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो अंतरिक्ष में देखने के लिए दोस्तों स्पेस क्राफ्ट का यूज किया जाता है, स्पेस क्राफ्ट यानी अंतरिक्ष शटल्स का उपयोग किया जाता है। आगे 97 नंबर प्रश्न है दोस्तों, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था दोस्तों, तो बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था, बाल गंगाधर तिलक कहे थे दोस्तों। दांडी मार्च किस आंदोलन से समय हुआ था दोस्तों, तो दांडी मार्च जो है 1932 में हुआ था दोस्तों, 12 मार्च 1932 दोस्तों। डांडी मार्च जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय हुआ था, जो गांधी जी द्वारा प्रस्तावित किया गया था दोस्तों, ठीक है। और ये 98% का दोस्तों सीरीज था दोस्तों, ये प्रश्न हमारे पास में आए हैं जहाँ तहाँ से इकट्ठा किए हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल पर बने रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। आगे भी बिहार दरोगा बिहार पुलिस के वीडियो हम यहाँ पर अपलोड करते रहेंगे और करंट अफेयर की वीडियो दोस्तों अपलोड करेंगे, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए बाय।